हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम दो और यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बात करेंगे, थॉमस नैश एंड थॉमस लॉन्च। क्रिस्टोफर मार्लो एंड रॉबर्ट ग्रीनी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, सो प्लीज़ चेक देम। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थॉमस नैश। थॉमस नैश वॉज बॉर्न इन द ईयर 1567 एंड ही डाइड इन द ईयर 1601। अब थॉमस नैश की लाइफ को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा उनके वर्क्स के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये वर्क इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पिकरेस्क्यू नॉवल था। पिकरेस्क्यू नॉवल बेसिकली नॉवल होता है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है और उसकी जर्नी और उसके एडवेंचर्स को नॉवल में डिस्कस किया जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो फर्स्ट पिकरेस्क्यू नॉवल है वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नैश। अब यहाँ नॉवल की पूरी स्टोरी को हमको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ जो हमें बेसिक थीम हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जैक विल्टन जो है वो किंग हेनरी 8th की आर्मी में एक पेज थे और बाद में वो एक स्पाई में टर्न होते हैं और हेनरी होवर्ड के साथ, हेनरी होवर्ड को अपना कंपेनियन लेके, जो कि अर्ल ऑफ सूरे हैं, इनको अपना कंपेनियन लेके वो इटली ट्रैवल करते हैं और वो इटली ट्रैवल करते हैं गेराल्डिन जो कि अर्ल की बिलविड है उसके ऑनर को बचाने के लिए। तो द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो है इसे हमें डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ हमें एक बेसिक थीम पता होनी चाहिए, बेसिक कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे जैक विल्टन, हेनरी होवर्ड एंड किंग हेनरी 8th। और जैक विल्टन और हेनरी होवर्ड इटली ट्रैवल करते हैं गेराल्डिन के ऑनर को बचाने के लिए। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट भी पिकरेस्क्यू नॉवल है। थर्ड वर्क है इनका पियर्स पेनीलेस। पियर्स पेनीलेस सप्लिकेशन टू डेविल, यानी एक डेविल को बुलाने के लिए या डेविल के ऊपर है ये, और ये एक सटायर है जो फोकस करता है 7 डेडली सिंस को। हमें पता है 7 डेडली सिंस जैसे हेट है, ग्लूटोनी है, जेलेसी है, तो ये जो 7 डेडली सिंस हैं इनके ऊपर ये फोकस करता है और ये एक सटायर। फोर्थ है द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी 1589। फिफ्थ है द प्रीफेस टू ग्रीन्स मैनाफन। एंड सिक्स्थ है डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज इन कोलैबोरेशन विद क्रिस्टोफर मार्लो। तो हमें ध्यान रखना है कि डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज जो वर्क है वो क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलैबोरेट होके लिखा है, यानी क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नैश दोनों ने मिलकर लिखा है। तो जब हम थॉमस नैश की बात करते हैं तब हमें इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर ध्यान रखना है और डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज ध्यान रखना है जो क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलैबोरेटेड है, और बाकी वर्क्स के अगर हमें नेम पता है तो दैट्स सफिशिएंट। दैट वाज अबाउट थॉमस नैश। अब हम मूव करते हैं थॉमस लॉज की तरफ। थॉमस लॉज का भी बेसिकली हम वर्क से डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकी लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। थॉमस लॉज वॉज बॉर्न इन द ईयर 1558 एंड डाइड इन द ईयर 1625। ही मेड वोयेजेस टू कैनरी आइलैंड। ये हमें ध्यान रखना है कि थॉमस लॉज ने कई सारी वोयेजेस करी और कहाँ के लिए करी, कैनरी आइलैंड के लिए। ही वॉज द यंग जुवेनल ऑफ ग्रीन्स ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। जब हमने रॉबर्ट ग्रीन पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि उनका वर्क है ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, जो कि एक अटैक है शेक्सपियर पे। तो उसमें जो यंग जुवेनाइल है वो है थॉमस लॉज। अब हम इनके वर्क्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वर्क है अ मार्गराइट ऑफ अमेरिका। ये कंबाइन करता है सिनेकन मोटिव्स एंड आर्कैडियन रोमांस इन अ लव स्टोरी। तो बेसिकली अ मार्गराइट ऑफ अमेरिका एक लव स्टोरी है जिसमें पिस्टोरल रोमांस है, आर्कैडियन मतलब पिस्टोरल, तो पिस्टोरल रोमांस है एज वेल एज सिनेकन मोटिव्स भी है, मतलब कुछ ट्रैजिक एलिमेंट्स भी है। सेकेंड है द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर। ये एक ड्रामा है तो हमें ध्यान रखना है द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर ड्रामा है। अ फिक फॉर मोमस। अ फिक फॉर मोमस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्क से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ था क्लासिकल सटायर्स एंड वर्स एपिसल्स। ओके, तो क्लासिकल सटायर्स और वर्स एपिसल्स इंग्लिश में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था अ फिक फॉर मोमस जो वर्क है थॉमस लॉज का। फोर्थ है डिफेंस ऑफ प्लेस। डिफेंस ऑफ प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखा गया इन रिस्पॉन्स टू स्टीफन गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज़। स्टीफन गॉसन का जो वर्क है स्कूल ऑफ अब्यूज़, उसको रिस्पॉन्स करते हुए यानी उसको जवाब देने के लिए ये लिखा गया डिफेंस ऑफ प्लेस बाय थॉमस लॉज।
नेक्स्ट वर्क है रोजलिन और यूफस गोल्डन लीगेसी. दिस वर्क वॉज सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट. एंड द नेक्स्ट इज सिलेस मेटामॉर्फोसिस. दिस वर्क वॉज सोर्स फॉर शेक्सपियर्स वीनस एंड अडोनिस. हमें पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स प्री शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखते थे, यानी शेक्सपियर ने इनके कई सारे वर्क्स से एक इंस्पिरेशन लिया या सोर्स लिया अपने वर्क्स को लिखने के लिए. तो जब हम थॉमस लॉज की बात करते हैं तो थॉमस लॉज के दो वर्क्स ऐसे हैं जहाँ से शेक्सपियर को सोर्स मिला अपने वर्क्स के लिए. शेक्सपियर का एज यू लाइक इट जो है वो रोजलिन से था, और वीनस एंड एडोनिस का सोर्स था सिसेलेस मेटामॉर्फोसिस. तो जब हम थॉमस लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इनका वर्क अ फिक फॉर मोमस ध्यान रखना है, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया था क्लासिकल सटायर्स एंड वर्स एपिसल्स एज वेल एज कैनरी आइलैंड को इन्होंने वोयज किया. एंड डिफेंस ऑफ प्लेस जो है वो इन रिस्पॉन्स लिखा गया स्टीफन गॉसन्स की स्कूल ऑफ अब्यूज के बारे में. सो दिस वॉज अबाउट थॉमस लॉज. अब कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपकी बुक्स के आगे उनका ईयर मेंशन नहीं होता है, या राइटर के आगे उनका बर्थ या डेथ मेंशन नहीं होता है. बेसिकली ये मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं जिनके ईयर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स हैं जिनकी हमें बर्थ और डेथ देखनी है, तो ये सब के सब हम याद नहीं कर सकते. तो मैं जब अपने नोट्स बनाती हूँ तब मैं उन्हीं के ईयर्स या फिर उन्हीं बुक्स के पब्लिशिंग ईयर्स मेंशन करती हूँ या लिखती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जा सकता है. क्योंकि हम सब अगर याद करना चाहेंगे तो वो हमसे नहीं होगा, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं बस वही मेरे नोट्स में मेंशन रहता है. ये रीज़न है कि मेरे नोट्स में सब बुक्स के या राइटर्स के ईयर्स मेंशन नहीं रहते. वीडियो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द रिमेनिंग यूनिवर्सिटी विट्स. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.